नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चा है, बच्चे को अगर रात रात में कभी भी बुखार लग जाए, उल्टियाँ होने लगे, तो उस समय आपको कौन सा ट्रीटमेंट देकर आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, रात रात में कभी काल अगर आपको बच्चे को यह हो जाए, तो उस समय ना आपके पास डॉक्टर है, ना मेडिकल दुकान है, तो उस समय आप लोग को दिमाग काम नहीं करता है। उस समय आप लोग सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अगर आपके पास डॉक्टर है तो आप लोग दिखाकर आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास डॉक्टर नहीं है वो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए सोचे कि मैं वीडियो बताकर आपको आसानी से समझा सकें और बच्चे को बचा सकें। ठीक है, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, छोटी छोटी बात बताना पड़ता है। अगर आपके घर में 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर बच्चे हैं, जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, 2 साल से लेकर 5 साल के अंदर के बच्चे के लिए यह ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर आपको बच्चा 1 साल 2 साल से भी थोड़ा कम होगा तो वो ट्रीटमेंट चल जाएगा। आपको हम आगे बता देंगे, समझा देंगे, आप लोग चला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह जो मेडिसिन बता रहे हैं ना, उस मेडिसिन को आप लोग मंगा कर जरूर रख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, बच्चे के जो है ना बार बार बीमार पड़ना या कॉमन बातें कभी भी किसी को भी बच्चे के साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, जिसकी वजह से वह बार बार बीमार पड़ जाते हैं। वह भी बार बार में जानते हैं तबीयत खराब हो जाएगी, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, सब समस्या दिखाई देने लगती है। लेकिन हम आपको सिर्फ हम खाली क्या बताने वाले हैं, बुखार के लिए और साथ में अगर बच्चे को अगर उल्टी हो जाए उसके लिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। आइए दोस्तों, लोग सबसे पहले समझते हैं कि फीवर। दोस्तों, जब किसी बच्चे को जब फीवर आती है ना, तो शरीर में क्या होता है कि इन्फेक्शन प्रवेश कर जाती है। इन्फेक्शन प्रवेश करेगा तभी क्या होगा कि बुखार आएगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, इसलिए बार बार इन्फेक्शन प्रवेश कर जाती है, वह बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार बुखार उसको आ जाती है। तो इससे आपको नहीं घबराना, यह कॉमन बात है, आपको 5 साल तक बच्चा हैरान करेगा। ठीक है, नहीं के तो बात नहीं है। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको बच्चे को बुखार आते हैं तो सिम्टम्स क्या दिखाई देती है कि शरीर उसको पूरा तापमान बढ़ जाती है, इसके बाद जम्हाई पूरे शरीर में देखिएगा तो पूरा लेने लगेगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा रोएगा या पूरा सुस्त हो जाएगा, ये सब समस्या दिखाई देने लगती है, आँख पूरा चरा चरा सा लगने लगता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसको करना क्या चाहिए? अगर आपको दिखे कि नहीं बहुत ज़्यादा इसका बुखार है, तो सबसे पहले सब काम छोड़कर आपको एक रुमाल ले लेना, यानी कॉटन का कपड़ा ले लेना है, और क्या करना है, इसको भिजाकर पट्टी मारना है, इस तरह गाड़ देना है और इसको पट्टी मारना है। तो हम लोग गांव देहात में इसको पट्टी ही बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, इसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, पट्टी मारिए कम से कम आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक, इसलिए मारिएगा क्योंकि दिमाग पर बुखार ना चढ़े। इसके बाद आपको जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका बुखार उतरना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट ठीक भी हो जाएगा जल्द से जल्द, कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मेडिसिन आप लोग नहीं दे रहे हैं, पट्टी नहीं मार रहे हैं, तो वही बच्चे को जाकर ब्रेन में मेनिंजाइटिस होने की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है, ब्रेन में सूजन आपको आ सकती है, बच्चे को मिर्गी की तरह झटका भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए बुखार को हाई लेवल पर नहीं बढ़ने देना है। जिस तरह देखिए कि बुखार बढ़ा है, बस ट्रीटमेंट आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है आप लोग कॉपी कलम लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, छोटी छोटी मेडिकल दुकान में आप लोग को मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, बोल रहे हैं ना साफ, आपको टेंशन नहीं लेना है, 100% है कि ठीक हो जाएगा। जिस तरह आप दवा खिलाएगा ना, उस तरह समझ लीजिए कि आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे का बुखार उतरने लगेगा। ठीक है, तब तक में आप लोग पट्टी मारते रहिएगा अगर बुखार ज़्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब बहुत कॉमन बात है और इसके चलते लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैसा भी खर्चा कर देते हैं। और आप लोग देखे होंगे गांव देहात में कि जब भी किसी बच्चे को जब बुखार लगते हैं ना, तो जाकर तुरंत इंजेक्शन दिलवा देते हैं लोग, और इंजेक्शन ले लिया जाता है और बच्चा भी ले लेता है, सब रोने लगता है लेकर। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, मेडिसिन से ठीक करना है। वो कौन सा मेडिसिन है, हम बोले हैं दोस्तों कि बच्चा का इन्फेक्शन प्रवेश कर जाती है, इसके लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, इसका नाम है टैक्सिम ओ ड्राई सिरप, बहुत बढ़िया काम करती है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसको पिलाना है 5 ml सुबह और 5 ml शाम को, इसको कम से कम आपको 5 दिन तक रेगुलर पिला दीजिएगा। बुखार तो आपको 20 से 25 मिनट में आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको 5 दिन तक चला दीजिएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो, लेकिन हम अच्छा बात यही कहेंगे कि आप डॉक्टर से जाकर जरूर देखवा लीजिएगा, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो इस मेडिसिन को चला दीजिएगा, सेफ मेडिसिन। ठीक है, 5 ml सुबह और 5 ml शाम को, और साथ में बुखार का दवा डाल दीजिएगा, इसका नाम है डोलो 250 mg का सिरप आता है। ठीक है, यह भी जो है 5 ml सुबह और 5 ml शाम को पिला दीजिएगा। अगर दोपहर में आ जाए तो दोपहर में भी आप 5 ml पिला सकते हैं। ठीक है, टेपिंग से नाप लीजिएगा। अगर आपको 2 साल से नीचे के बच्चा है, जैसे 1.5 साल हो गया,
साल भर हो गया, तो देखिएगा जो डोलो बताए ना उसके पीछे पलट कर देखिएगा, उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि एक साल से लेकर दो साल के बीच में बच्चे को कितना एमएल देना है, उतना एमएल आप दे दीजिएगा। जो टैक्सिम बोले है ना वो भी आप पिला दीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चा मान लीजिए एक साल के होगा तो 8 किलो से तो ऊपर होगा, तो आप 50 mg चला सकते हैं, ठीक है। तो बुखार का दवा उसको भी आप दे सकते हैं। अगर बुखार की वजह से उल्टी आ रही है तो आप एक उल्टी का हम सिरप बता देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, इसका नाम है पेरिनॉर्म, ठीक है। पेरिनॉर्म सिरप आता है, उसमें ड्रॉप भी अब दे रहा है, ठीक है। उसको कैसे पिलाना है, 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। अगर उल्टी आएगा तो दीजिएगा, नहीं आएगा तो मत दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं बुखार के लिए तो दोनों मेडिसिन बताइए दीजिए, आप आसानी से उसको पिला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इतना जरूर करिएगा, बिल्कुल आप लोग को ठीक होगा नहीं की बात नहीं है, और इंजेक्शन जाके बच्चे को नहीं दिलवाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिलवाना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।